जब हम ट्रैवल करते हैं तो किस्से बनते हैं, कहानियाँ बनती हैं। और आज की कहानी है एक एलिफेंट कैंप के बारे में, आज की कहानी है दोबारे के बारे में। हे यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द लास्ट रोवर चैनल। माय नेम इज शिवम एंड दिस इज द डे 3 फ्रॉम कूर्ग। सो आज हमारा प्लान था वापस बैंगलोर जाने का, लेकिन एक्चुअली हमें विजिट करना था दोबारे एलिफेंट कैंप, जो कि हम कल नहीं कर पाए, उसकी वजह से हमने ये एक दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी का प्लान है कि अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे और उसके बाद निकलेंगे दोबारे एलिफेंट कैंप के लिए। सो दोबारे एलिफेंट कैंप इज़ वेरी फेमस एलिफेंट ट्रेनिंग कैंप एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर फ्रॉम आर रिजॉर्ट एंड 15 किलोमीटर फ्रॉम द कुशाल नगर। If you are aware of Royal Festival of Mysore Dasara, so all the elephants used here come from this particular camp. तो अभी हम लोग दोबारे पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज बारिश चल रही है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बारिश हो रही है और यहाँ से हम लोग बोटिंग स्टार्ट करेंगे। कितना तेज़ हो गया नदी का फ्लो यहाँ पे। So Dubare is a delta island of Kaveri River, and if you want to reach there, you have to go by boat. अभी हम लोग दोबारे एलिफेंट कैंप पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोगों ने शेड में खड़े हुए थे थोड़ी देर से, और बारिश की वजह से हमने एक छाता भी ख़रीद लिया है। यहाँ टिकट काउंटर के पहले मिल रहा था तो वहाँ से ख़रीद लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट्स को देखने। वहाँ पर जो भी एलिफेंट्स हैं उनकी डिटेल्स इस बोर्ड पर दी गई है, जैसे कि उनका क्या नाम है, क्या एज है, मेल फीमेल, कौन उनका महावत है, क्या कहाँ पे पैदा हुआ था, ऑल दिस डिटेल्स आर गिवन ऑन दिस बोर्ड। और अभी शायद से ये एलिफेंट खाना खा रहे हैं और उधर जाके एलिफेंट के साथ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो अभी हम लोग उधर जा रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स है? धान 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 जैगरी कोकोनट। लेकिन ये खाने में इसमें ये गुड़ क्योंकि नारियल हाँ मिश्री और ये सब चीज़ें मिक्स करके अरे कौर बना बना के दे रहे हैं। जैसे तुम्हारी रोटी के अंदर तुम सब अचार सब्जी मिक्स करके खाते हो, ये उनके कौर है। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर हाथी नहाने जाते हैं, तो अभी एक हाथी नीचे नहाने जा रहा है। तो अभी दोनों हाथियों ने नहा लिया है और अभी ये नहाकर जाते हैं पूजा करने के लिए। तो इसके आगे ही एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर ये हाथी जा रहे हैं। ओ पूजा कर रहे हैं, नहाने के बाद पूजा करते हैं क्या? वाह हेलो अरे वाह वाह वाह
है ना? If you are visiting Dubare Elephant Camp in monsoon, then don't forget to carry an umbrella or raincoat. और अभी टाइम हो चुका है गुड बाय कहने का दुबारे एलिफेंट कैंप को. तो अभी हम लोग दोबारे एलिफेंट कैंप से वापस आ चुके हैं. यहाँ से जो बोट आ रही है उसी बोट के ज़रिए हम लोग भी वापस आए थे. ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे 1 hour 30 minutes स्पेंड किया. आज मैंने जो देखा वहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी. मैंने सुना है कि एलिफेंट सफारी होती है और एलिफेंट शार होता है, एलिफेंट के साथ मतलब आप खाना खिला सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं. बाकी आज कुछ नहीं हो रहा था. आई डोंट नो बिकॉज ऑफ कोविड और वॉट ह्यूमन इंट्रैक्शन एलिफेंट से कम कर दिया गया है जिससे कि उन्हें कोई बीमारी ना फैले, तो वो चीज़ अच्छी है उनके लिए. बाकी आप उन्हें दूर से देख सकते हैं और फ़ोटो खिंचा सकते हैं. तो कैंप में ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं था, तो मैंने सोचा कि यहीं पर ड्रोन उड़ाया जाए और आपको कावेरी नदी के नज़ारे दिखाए जाए. So we were coming back from Dubare Elephant Camp and saw this amazing shop. They are selling really beautiful cement products. बस problem एक ही है, इन्हें bike पे carry करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो देखते हैं अगर कुछ छोटा मिलेगा तो ज़रूर लेंगे. यहाँ पास में ही एक clay shop है जो clay के बहुत ही सुंदर सुंदर products बेच रही है. तो अभी हम लोगों ने कूर्ग क्ले मार्ट से थोड़ी शॉपिंग की और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए. आपको बताते हैं खाना कैसा है यहाँ का. और इसके बाद हमने डिसाइड किया है कि हम लोग जाएंगे नामडोलिंग मॉनेस्ट्री देखने के लिए, जिसे यहाँ के लोकल लोग गोल्डन टेंपल भी बोलते हैं. अभी हम लोग आ चुके हैं कूर्ग मॉनेस्ट्री, जिसे यहाँ के लोग गोल्डन टेंपल भी बोलते हैं. तो अभी मॉनेस्ट्री बंद है बिकॉज ऑफ कोविड और लिखा हुआ है कि इसको जल्दी खोलने वाले हैं, मतलब विद इन अ मंथ ये ओपन हो जाएगी टूरिस्ट के लिए भी. अभी इसके अंदर मॉन्क्स हैं जो कि रह रहे हैं, तो मॉन्क्स की हेल्थ को बचाने के लिए यहाँ पर अभी इस मॉनेस्ट्री को क्लोज कर दिया गया है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है मॉनेस्ट्री इज टेम्परेली क्लोज्ड. तो जैसा कि लोकल शॉपकीपर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ ये ओपन हो जाएगी, तो देखते हैं जो भी लोग भी नेक्स्ट मंथ आ रहे हों, अक्टूबर वगैरह में आ रहे हों, तो उनको ये मिल सकती है. इसी वीकेंड कूर्ग का कर्फ्यू लिफ्ट हुआ है, तो मोस्टली जगहें तो ओपन हो गई. ये इकलौती जगह थी जो अभी भी क्लोज है. आई होप सो कि जल्दी ये भी ओपन हो जाए. तो जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है, जहाँ चाह वहाँ रहा. तो हमें डायरेक्ट अंदर जाने तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इसके आसपास जरूर घूम सकते हैं. Thank you.
तो अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर से ही मॉनेस्ट्री को देख सकते हैं इसके आसपास से जाकर। और अभी हम लोग ऐसे ही मॉनेस्ट्री को देख रहे हैं। मैंने थोड़ा सा ड्रोन उड़ाने का ट्राई किया जिससे कि एटलीस्ट मॉनेस्ट्री की बिल्डिंग्स को मैं आपको दिखा सकूं। तो अभी एक जगह से ट्राई किया है मैंने, अभी मैं दूसरी जगह से ट्राई करने वाला हूँ फॉर बेटर व्यू। तो ये मॉनेस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, हम लोगों ने एक इसका पूरा चक्कर लगाया अभी। वैसे तो ये मॉनेस्ट्री बंद है, लेकिन जो भी बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स हैं, अगर उन लोगों को यहाँ से टच फील करना है अंदर का, तो उनके लिए एक चक्कर लगाने के लिए, जैसे कि हिंदू धर्म में परिक्रमा होती है वैसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो वो अभी हम लोगों ने की, और भी बौद्ध लोग थे उन लोगों के साथ। और उसके बाद मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लेने का ट्राई किया है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट, और आप देखिए ड्रोन शॉट्स। गुड मॉर्निंग यू ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज डे 4th इन कूर्ग, और आज हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए। आई होप आपको कूर्ग की ट्रैवल सीरीज पसंद आई हो, और अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।